जय माता दी, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। सो गाइस, मैं जा रहा हूँ एक ब्रेकफास्ट राइड के लिए। टाइम हो रहा है सुबह का 7। हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल आदाब। मैं शशांक शेखर सिंह, आप सबका वेलकम है मेरे चैनल गोर राइडर्स में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बता दिया है कि आज का जो व्लॉग है मेरे ब्रेकफास्ट राइड का है, तो चलिए देखते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। अभी मैं काशीमीरा पे देव भाई और प्रतीक भाई से मिलूँगा, और नीरज भाई से। सोचा था पेट्रोल ले लूँ, बट काशीमीरा के बाद फाउंटेन से पहले लेफ्ट साइड में पेट्रोल पंप है, तो हम वहीं पे फुल अपना टैंक फुल करेंगे और उसके बाद आगे जाएंगे। तो चलिए चलते हैं, फटाक से पहुंचते हैं और अपने राइडर्स से मीटअप करते हैं, और उसके बाद डिसाइड करते हैं कि कहाँ जाना है हमें ब्रेकफास्ट राइड के लिए। और अगर हो पाया तो ड्रोन भी फ्लाई करेंगे, क्योंकि ड्रोन भी मैंने कैरी किया हुआ है। गाइज, ये जो ब्रेकफास्ट राइड है हमारा, अचानक से प्लान हुआ। कैसे हो? हाय ब्रो, शशांक। सो गाइज, हम मिल गए यहाँ पे नीरज भाई, देव भाई, प्रतीक भाई और ये मैं। थैंक गॉड धूप नहीं है, काफ़ी अच्छा मौसम है। टेम्परेचर अभी है 27 डिग्री। यार, राइट हैंड साइड का मेरा मिरर टूट गया है ना, लगवाना बहुत ज़रूरी है, बहुत प्रॉब्लम आती है राइड करने में। चलिए पेट्रोल ले लिया जाए। क्रीक ब्रिज, खाड़ी के ऊपर से बना हुआ पुल। और यार, ये इतना डेंजरस लगता है ना ये पुल, देख के डर ही लगता है कि कब ध्वस्त हो जाए, मतलब कब गिर जाए ये पुल। छोड़ाए हम वो गलियां, वो गलियां। बाइकर्स को टोल लगता नहीं है, लेकिन मैं लास्ट ईयर जब राइड कर रहा था कर्नाटक, बैंगलोर से मैसूर जा रहा था, तो बैंगलोर से मैसूर हाईवे पे बाइक का भी टोल लगता है। मैं सरप्राइज हो गया था। तो मैं बता रहा था आपको कि इस रास्ते पे बहुत सारे फूड हब मिलेंगे, खाने की बहुत सारे, जिसको ढाबा बोलते हो, मिलेंगे। सो भूख लगी हो तो कहीं भी रुक के खा सकते हैं। यू कैन सी मैकडी, फूड हाईवे, खपोली वड़ा, पिज़्ज़ा बॉय, सब कुछ है। सो जो आप खाना चाहते हैं सब मिल जाएगा इस रोड पे। अगर रुकना चाहते हो, अगर आप सूरत से मुंबई की तरफ आ रहे हो, तो यहाँ पर फूड हब है, बहुत ही बड़ा है, बहुत ही खूबसूरत है, और यहाँ पे हर चीज़ें हैं। सो ये दिख रहा है आपको, ये है दत्ता स्नैक्स, और यहीं हमारा स्टॉक, यहीं हम रुकेंगे और ब्रेकफास्ट करेंगे, गपशप करेंगे, उसके बाद निकल जाएंगे यू टर्न मार के। तो चलिए पहुँचते हैं दत्ता स्नैक्स। ओ देख सकते हो जो हम लोग खा रहे हैं, ये खाए ख़त्म भी कर दिया इन्होंने, ये चटनी। और ये क्या है भाई? देव भाई ये क्या है? अच्छा, मटर पैटीज, पेरी पेरी। और ये कोतम्बर वरी, मस्त है यार। और इसको मूंग का क्या है, पकौड़ा, मूंग दाल पकौड़ा, ज़बरदस्त। और ये चटनी, महाराष्ट्रियन चटनी। मैं गोरेगांव से, और मैं हिंदुस्तान से। सो गाइस, हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है, और हमने ब्रेकफास्ट करते करते प्लान कर लिया कि हम जा रहे हैं केलवे बीच। तो चलिए केलवे बीच पहुंचते हैं और दिखाते हैं कि केलवे बीच कैसा दिखता है।
तो राइट टू केलवे बीच, लेट्स गो। एक घंटे लगेंगे यहाँ से, किलोमीटर बता रहा है हमारा, गूगल आंटी बता रही है 55 मिनट और किलोमीटर 40। तो चलिए चलते हैं। ये हसी वादियाँ, ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ ए मेरे जाने जा। देख सकते हो कितना खूबसूरत लग रहा है, और ये हमारे देव भाई ने अपनी बाइक को बड़ी खूबसूरती से मॉडिफाई करवाया है, यू कैन सी। तू है के नहीं, ये देखो प्रतीक भाई की बदमाशी, खड़े होकर चला रहे हैं। देख सकते हो राइट हैंड साइड में पूरा का पूरा नारियल का पेड़, बहुत खूबसूरत लग रहा है, जिससे लग रहा है कि गोवा में घूम रहे हैं हम। बहुत से हम लोग पहुंच चुके हैं केलवे बीच पे और राइट ले रहे हैं। कौन सा राइट ले रहे हैं भाई? देव भाई भी ब्लॉगर बनने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में ये भी ब्लॉगर बन के खड़े हो जाएंगे हमारे अपोजिट में। नहीं, मैं आपके अपोजिट में, आपके सपोर्ट में खड़ा हूँ। गो राइडर्स जिंदाबाद। जिंदाबाद। दिख रहा है ये दूसरा रास्ता है, हम जिस रास्ते से गए थे वो रास्ता नहीं है, ये दूसरा रास्ता है। सो इसका भी सोचा मैंने कि आपको व्यू दिखाऊं रोड का। चलिए देखिए दोस्तों, मैंने ड्रोन शॉट भी ली, तो कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा ड्रोन शॉट मेरा। फाइनली
मेरे सामने हाईवे दिख रहा है और हम यहाँ से राइट लेंगे, राइट। दोस्तों अगर ये व्लॉग पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।